डीएमके नेता उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी का विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला। अब से कुछ देर पहले बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने थे। रविशंकर प्रसाद की तरफ से सवाल पूछा गया, राहुल गांधी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं? नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक शांत क्यों हैं? विपक्ष हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है, ये जो विपक्ष का गठबंधन है इसकी सोच हिंदू विरोधी है, सनातन स्थायी है, ये कहा रविशंकर प्रसाद ने। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं पटना, शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक, पटना में भी जो बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है उसका अंदाज यही कि उदयनिधि का बयान और निशाने पर पूरा विपक्ष का इंडिया गठबंधन? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये लोग नीतीश और तेजस्वी पे भी निशाना साध रहे हैं कि आप उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पटना में मैं बीजेपी दफ्तर के आगे खड़ा हूँ, यहाँ पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, पोस्टर लेके आए हैं जिसमें उदयनिधि स्टालिन की तस्वीर है। देखिए, लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जारी है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी नेता कल्लू सिंह हमारे साथ है, ये तस्वीर है, इसमें उदयनिधि स्टालिन की क्या मांग है? अपने देश हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही धर्म है और वो धर्म सनातन धर्म, बाकी का बाकी बनावटी धर्म है। और निश्चित तौर पे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है पूरा आक्रोश है, और जब तक ये माफी नहीं मांगेगा हम लोग रुकने वाले नहीं है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर हम लोग पटना के न्यायालय में जाने का काम करेंगे। कोर्ट का रुख कीजिएगा, निश्चित कोर्ट का रुख करेंगे, न्यायालय। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।